हेलो एवरीवन, 5 मिनट में अपना क्लास हम शुरू करेंगे, तो काइंडली 5 मिनट तक पेशेंस रखिए। ओके, सो हेलो एवरीवन, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग के न्यू क्लास में वेलकम। तो आज के क्लास में हम कवर करने वाले थे जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में लास्ट क्लास में हम जो कवर किए हैं उसका इंस्टॉलेशन देखेंगे। ओके, सो सबसे पहली बात, बहुत से यूजर्स चैट में कहते हैं कि एक नया ग्रुप बनाएंगे, सेपरेट ग्रुप बनाएंगे। तो सबसे पहली बात, रूल्स और पॉलिसी को फॉलो कीजिए। अगर कोई सेपरेट ग्रुप बनाते हैं तो आपको कोर्स से हटा दिया जाएगा। सिर्फ एक टेलीग्राम चैनल है और एक टेलीग्राम ग्रुप है। डिस्कशन ग्रुप जो है जल्दी ओपन किया जाएगा, वहां पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। कोई सेपरेट ग्रुप, कोई सेपरेट पेज क्रिएट नहीं कर सकते। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था बैकट्रैक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ओके, तो वहीं से हम आगे बढ़ेंगे।
स्वागता चौधरी, आपको मना करने के बाद भी आप सेम चीज रिपीट कर रहे हैं, ये आपकी आपका लास्ट वार्निंग है, वरना आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। ओके, तो क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले प्लीज चैट में कंफर्म कीजिए कि मेरी ऑडियो ऑडिबल है और जो स्क्रीन मैंने शेयर किया है वो विजिबल है। एवरीवन, ओके ग्रेट। तो लास्ट क्लास में किसी को कोई कंफ्यूजन, जो बैक ट्रैक पहले मैं समराइज कर देता हूं एक बार, जो लास्ट क्लास हम लोगों ने कवर किया था। तो जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने आज से क्लास शुरू किया है, उनके लिए ये एक इंफॉर्मेशन है जो इंपॉर्टेंट है। आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि 25th और 3rd अक्टूबर को दो क्लासेस हो चुके हैं, उसका रिकॉर्डिंग जो है गूगल ड्राइव में शेयर किया गया है, जो कि टेलीग्राम ग्रुप पे आपका अवेलेबल होगा। ओके, तो अगर आपने पहले के दो क्लास मिस कर दिए हैं तो आप उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका रिकॉर्डिंग जो है अवेलेबल किया गया है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो प्रीवियस क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर पाए थे, तो कोई इशू नहीं है, उसका रिकॉर्डिंग जो है सारे क्लासेस का वो ऑलरेडी गूगल ड्राइव पे अपलोडेड है और उसका एक्सेस जो है दे के रखा हुआ है और टेलीग्राम चैनल में आपको शेयर किया हुआ है। ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रीवियस क्लास, पहले मैं समराइज कर देता हूं क्या क्या हम लोगों ने कवर किया था। तो इस कोर्स का शुरुआत करने से पहले हम लोग के लिए बहुत जरूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना। क्यों? क्योंकि यही ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे हम लोग अपना पूरा का पूरा कोर्स जो है वो करने वाले हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो। ओके, तो हम लोगों ने मैंने एक्सप्लेन किया था बैकट्रैक और काली लिनक्स के बारे में, क्योंकि यही दो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको यूज करके हम लोग अपना प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल सेशंस करने वाले हैं, पूरा सिलेबस। ओके, तो बैकट्रैक में हम लोगों ने देखा था कि बैकट्रैक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इंट्रोडक्शन टू बैकट्रैक, बैकट्रैक हमको क्यों चाहिए, उसमें फाइल परमिशंस क्या होता है, डॉलर पाथ वेरिएबल क्या होता है, बैकट्रैक को कैसे शुरू करते हैं, जो भी टूल्स हैं बैकट्रैक में उसके बारे में हम लोगों ने जाना था, बैकट्रैक में नेटवर्क कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, बैकट्रैक को सर्वर से पुट्टी के हेल्प से, एक सॉफ्टवेयर है उससे कैसे कनेक्ट करते हैं, और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, और सम यूजफुल कमांड्स। तो ये सारे की सारी चीजों को हम लोगों ने बैकट्रैक में कवर किया था। हमने बैकट्रैक का इंपॉर्टेंस देखा था कि क्यों बैकट्रैक इतना यूज होता है, उसके बाद फाइल परमिशन क्या होता है, ओनर, ग्रुप, अदर्स, रीड, राइट, एग्जीक्यूट, ये सारा का सारा हम लोगों ने कवर किया था। डॉलर पाथ वेरिएबल क्या होता है, ये हम लोगों ने कवर किया था। उसके बाद बैकट्रैक को स्टार्ट कैसे करते हैं, रूट, यूजर नेम, पासवर्ड डाल के, वो हम लोगों ने देखा था। सेग्रीगेशन ऑफ यूटिलिटीज, हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरीज देखे थे इंफॉर्मेशन गैदरिंग से लेकर सर्विसेज तक, कि हर एक कैटेगरी में कौन कौन से टूल्स आते हैं। फिर उसको हम लोगों ने एलोबरेट किया था और नए नए टूल्स के बारे में हम लोगों ने जाना था। ओके, फिर हम लोगों ने देखा था डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है। अनलाइक विंडोज, जो बैकट्रैक और काली लिनक्स होता है वो कमांड लाइन बेसिस पे बहुत ज्यादा ही फोकस्ड रहता है, इसलिए डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखा था हम लोगों ने। उसके बाद देखा था हम लोगों ने कि कैसे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हैं बैकट्रैक या काली लिनक्स में, और कैसे अपडेट करते हैं, और सम यूजफुल कमांड्स देखे थे हम लोगों ने। तो ये सारा का सारा समराइजेशन है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था। इसका वीडियो भी अपलोडेड है और इसका ये PDF जो है ये भी अपलोड किया हुआ है गूगल ड्राइव पे। तो अगर आपने क्लास मिस किया है तो आप उस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं डाउनलोड करके, और उसका जो भी है थ्योरेटिकल सेशन को आप देख सकते हैं पूरा। तो आज से क्लास में हम यही ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया था, बैकट्रैक पहले नाम से जाना जाता था बैकट्रैक, अब उसका नाम हो गया है काली लिनक्स। तो हम लोग काली लिनक्स को इंस्टॉल करने वाले हैं। ओके,
तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोगों ने काली लिनक्स या बैकट्रैक इंस्टॉल करके रखा हुआ है, प्लीज चैट में बताइए मेरे को किन्होंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है पहले से। इंस्टॉल करके रखने का मतलब कि काम भी करता हो, सिर्फ ऐसे नहीं कि डाउनलोड किया हुआ है, मतलब काम भी करता हो प्रॉपरली। ग्रेट, तो मेजोरिटी ऑफ यूजर्स ने कहा कि उनने इंस्टॉल किया है, बट बहुत लोगों ने कहा कि उनमें इंस्टॉल नहीं है। कोई इशू नहीं है, हम लोग आज जो है ट्यूटोरियल कवर करने वाले हैं कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। ओके, तो शुरुआत करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि बहुत से लैपटॉप्स, बहुत से पीसीज, कंप्यूटर्स कभी कभार ये सॉफ्टवेयर, ये टूल्स सपोर्ट नहीं करते हैं। हम काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअली इंस्टॉल करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम में से 90% यूजर के पास अभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हम लोग ये विंडोज यूज कर रहे हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि विंडोज को हटा के हम काली लिनक्स इंस्टॉल करें। ओके, उस केस में क्या करते हैं कि हम एक वर्चुअल मशीन प्लेयर डाउनलोड करते हैं। ओके, वर्चुअल मशीन प्लेयर क्या करता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअली चलाता है। जब जरूरत पड़ा उस ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन कीजिए, जब जरूरत नहीं है उसको बंद कर दीजिए, आपका विंडोज वैसा का वैसा रहेगा। परमानेंटली आपको उस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं होता है। ओके, जिस तरह से हम लोग वीडियोस को वीडियो प्लेयर से चलाते हैं, वीडियो को वीएलसी प्लेयर से चलाते हैं, विंडोज मीडिया प्लेयर से चलाते हैं, उसी तरह एक आईएसओ फाइल, यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल जो होता है, उसको हम लोग वर्चुअल मशीन से प्ले कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन में आपका दो सॉफ्टवेयर है, जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है वीएमवेयर, और जो सेकेंडरी है वो है वर्चुअल बॉक्स। किन्हीं किन्हीं के सिस्टम में वीएमवेयर सपोर्ट नहीं करता है तो वो लोग वर्चुअल बॉक्स यूज कर सकते हैं, बट ट्यूटोरियल में हम लोग वीएमवेयर को कवर करने वाले हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि वीएमवेयर ही आप इंस्टॉल करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप होगा आपका वीएमवेयर इंस्टॉल करना। ओके, तो वीएमवेयर के बारे में पहले बता दूं मैं आपको। वीएमवेयर का मतलब होता है वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन प्लेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ओके, एक ऐसा ये सॉफ्टवेयर है जिसके हेल्प से आप ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर सकते हैं। कैसे? एक वीएलसी मीडिया प्लेयर में कैसे आप वीडियो रन करते हैं, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम का रन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको विंडोज हटा देना होगा और काली लिनक्स पूरा पूरा इंस्टॉल करना होगा, नहीं, सिर्फ जरूरत के हिसाब से, जैसा जैसा काम है आपको उस हिसाब से आप उसको जब मन चाहे आप उसको रन कर सकते हैं। ये होता है आपका फायदा वर्चुअल मशीन का। ओके, तो हम लोग अपने ट्यूटोरियल में वीएम वेयर यूज करने वाले हैं, वीएम वेयर वर्क स्टेशन। ओके, वीएम वेयर वर्क स्टेशन सबसे इंपॉर्टेंट और यूजफुल होता है, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा यूज होता है। तो आप लोग को वीएम वेयर वर्क स्टेशन जो है वो डाउनलोड करना है। ओके, तो मेरे पास वीएम वेयर वर्क स्टेशन मैंने डाउनलोड किया हुआ है और इंस्टॉल्ड भी है, वीएम वेयर वर्क स्टेशन 16 प्लेयर। तो आप लोग को ये टूल जो है डाउनलोड करना है। ओके, इसको डाउनलोड करने के बाद सेकंड टूल डाउनलोड करना है जो आपको, वो है kali.org से काली लिनक्स। kali.org पे जाइए, डाउनलोड्स पे जाइए, और यहां से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अभी आप मत कीजिएगा, रिकॉर्डिंग सेशन मिलेगा उसके बाद आप परफॉर्म कीजिएगा, अभी सिर्फ देखिए और समझिए। तो इस पेज से आप काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 64 बिट या तो 32 बिट। हर एक सिस्टम का अलग अलग हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन होता है। कोई कोई सिस्टम 64 बिट सपोर्ट करते हैं, कोई कोई सिस्टम 32 बिट सपोर्ट करते हैं। अगर आपका सिस्टम 64 बिट है तो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, ये अप्रोक्स 3.5 GB का है। और अगर आपका सिस्टम 32 GB सपोर्टेड है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ये अप्रोक्स ये भी समथिंग 3.5 GB का ही है, 3.3 GB। ओके, लाइव और इंस्टॉलर को आपको, लाइव वाले को आपको नहीं करना है। ओके, आपको सिर्फ करना है जो मैं बता रहा हूँ, 32 GB, 32 बिट वाला इंस्टॉलर और 64 बिट वाला इंस्टॉलर, यही दो आपको इंस्टॉल डाउनलोड करना है। पहला स्टेप था वीएमवेयर डाउनलोड करना, दूसरा स्टेप था कालीनेक्स डाउनलोड करना। जैसे ही आप वीएमवेयर डाउनलोड कर लेंगे तो उसको आप ओपन कीजिएगा। तो
तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। ओके तो ये एक प्लेयर है जिसके हेल्प से आप अपने वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो टोरेंट डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास यू टोरेंट या वाई टोरेंट है तो आप टोरेंट लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये दो टोरेंट लिंक जो है, अगर आप यू टोरेंट यूज करते हैं, यू टोरेंट जो है इस तरह से दिखता है, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं आप और इसके हेल्प से आप टोरेंट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डाउनलोडर नहीं है, टोरेंट नहीं है, डायरेक्ट इस पर क्लिक कीजिए, आईएसओ फाइल जो है डायरेक्ट आपका डाउनलोड हो जाएगा। ओके यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आपको वर्चुअल मशीन वीएमवीआर डाउनलोड करना और कालीनेस डाउनलोड करने में, प्लीज चैट में बताइए मेरे को। ओके ग्रेट, वीएमवेयर जो है आपका फ्री टू यूज है, पर्सनल लाइसेंस के लिए फ्री है और कमर्शियल के लिए पेड है, तो हमको तो पर्सनल से मतलब है। ओके तो आपको पर्सनल के लिए कोई पैसा पे करने का जरूरत नहीं है, फ्री में यूज कर सकते हैं। ओके तो अब यहाँ पे हम लोगों ने वीएमवी डाउनलोड कर लिया, कालीनेक्स डाउनलोड कर लिया, इसको जैसे ही आप ऑन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिलने वाला है। ओके एक बार ध्यान से देखिए इसको आप, क्या क्या ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है हमारा। ओके अब यहां पे आपका वर्चुअल मशीन ओपन हो गया है। ओके नाउ अब हमको कोई नया, जब भी हमको वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करना है, सपोज काली लिनक्स, तो अब आपको क्लिक क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पे आपको क्लिक करना है। ओके जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे आपको एक पॉपअप खुल जाएगा, इसमें आपको तीन ऑप्शन आएगा, इंस्टॉलर डिस्क, इंस्टॉलर डिस्क फाइल और थर्ड ऑप्शन, आपको बीच वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ओके बीच वाला ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना ब्राउज पे क्लिक करना है और जहां आपने अपना काली लिनक्स का आईएसओ फाइल डाउनलोड किया था
उस पर डबल क्लिक करना है, आपका जो वो फाइल है वो सिलेक्ट हो जाएगा, जो भी आपने आईएसओ फाइल डाउनलोड किया है वेबसाइट से वो आपको सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आपके पास ऑप्शन आएगा कि सिलेक्ट द टाइप ऑफ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट किया है फाइल, वो लिनक्स है, माइक्रोसॉफ्ट या अदर है, तो वो लिनक्स है तो हम लिनक्स सिलेक्ट करेंगे, और वर्जन में हम सिलेक्ट करेंगे डेबियन 9.x64 bit। अगर आपका 32 है तो 9.x32 bit सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर आपको आएगा ऑप्शन कि वर्चुअल मशीन का नाम देने के लिए, कि आपका वर्चुअल मशीन का नाम क्या होगा। ओके, तो हम वर्चुअल मशीन का नाम दे देते हैं काली हिंदी बैच। ओके, और लोकेशन आपको स्पेसिफाई करना है कि कहां आपको इंस्टॉल करना है वो वर्चुअल मशीन। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, अगला ऑप्शन आएगा आपको स्पेस, आपको उसको असाइन करना है। स्पेस मींस कि कोई भी वर्चुअल सिस्टम इंस्टॉल करना है तो आपको हार्ड ड्राइव में, हार्ड डिस्क में उतना स्पेस होना चाहिए, तो मिनिमम 20 GB चाहिए होता है, तो हम 20 GB करके चलेंगे। और दो ऑप्शन आपको आएगा, स्टोर वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल, स्टोर वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स। हम लोग मल्टीपल फाइल्स का ऑप्शन यूज करेंगे, यानी सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही फास्ट होता है, जितना मल्टीपल जगह पे वो फाइल को बांट के रखेगा उतना वो फास्ट काम करेगा, अगर सिंगल यूज करेंगे तो स्लो काम करेगा और सिस्टम जो है आपका हैंग करेगा। हमको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर आपका ये यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। कस्टमाइज हार्डवेयर पे क्लिक करके आप कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज कर सकते हैं। मेमोरी हम लोगों ने 2 GB असाइन किया है, अगर आपका लैपटॉप में सिर्फ 2 GB है तो आप 512 MB असाइन कीजिए, अगर आपके लैपटॉप में 4 GB रैम है तो 2 GB असाइन कर दीजिए, अगर आपके लैपटॉप में 6 GB रैम है तो आप 4 GB असाइन कर दीजिए, अपने हिसाब से असाइन कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा 2 GB असाइन करना। प्रोसेसर में आप इसको 2 कर दीजिए, 2 प्रोसेसर कम से कम जरूरी होता है, ऐसे लैपटॉप में नॉर्मल आजकल 4 प्रोसेसर आते हैं, तो आप उसको 2 कर दीजिए ताकि जो काली है वो हैंग ना हो। देन क्लोज कीजिए और फिनिश पे क्लिक कीजिए, आपका जो वर्चुअल सिस्टम है वो वहां पे रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा वर्चुअल सिस्टम जो है वो रेडी हो गया, काली हिंदी बैच। अब यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी है, अब क्या करना है, इसको हमको प्ले करना है, पावर ऑन करना है। जैसे ही हम पावर ऑन करेंगे तो ये फर्स्ट टाइम इंस्टॉल होगा। ओके, फर्स्ट टाइम, जैसे कि हम लोग विंडोज या कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, वैसे ही ये भी इंस्टॉल होगा। अब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे इंस्टॉल करते हैं, बट उससे पहले प्लीज लेट मी नो इन द चैट कि यहाँ तक क्लियर है, कैसे फाइल सिलेक्ट करते हैं, कैसे आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोग बैक नहीं जा सकते हैं। मैं एक ही बार करके दिखा सकता हूँ, ये यहाँ सबको क्लियर है, फाइल सिलेक्ट करना, पार्टीशन देना, 20 GB 30 GB रैम उसको अलोकेट करना, प्रोसेसर अलोकेट करना, वर्जन सेलेक्ट करना, लिनक्स सेलेक्ट करना, डेबियन सेलेक्ट करना। ग्रेट, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने वर्चुअल मशीन को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया है, अब हम इसको प्ले करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। तो ये इंस्टॉल करने का भी अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग मशीन्स पे आपका अलग अलग सिस्टम होता है। तो मेरे केस में मैंने 2-3 इंस्टॉल किए हुए हैं, इसलिए मेरा ये थर्ड हो सकता है कि इंस्टॉल ना हो। ओके, बट मैं लास्ट स्टेप तक जाने का कोशिश करूंगा और लास्ट स्टेप तक बताऊंगा आपको कैसे कैसे इंस्टॉल करना है, उसके बाद मैं उसी को बूट करूंगा जो मेरा पहले से इंस्टॉल्ड है। ओके, तो आपको क्लिक करना है अब प्ले वर्चुअल मशीन पे, इस पे क्लिक कीजिए, आपका जो सिस्टम है बूट होना शुरू हो जाएगा। आपको ये पहला ऑप्शन आएगा कि कौन से मोड में आपको अपना सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करना है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लाइव, लाइव एएमडी फेल सेफ, लाइव फॉरेंसिक्स मोड, लाइव यूएसबी मोड, लाइव यूएसबी इनक्रिप्टेड मोड, इंस्टॉल ग्राफिकल इंस्टॉल, इंस्टॉल विद स्पीच सिंथेसिस, एडवांस ऑप्शन। तो हमको ग्राफिकल इंस्टॉल पे जाना है और एंटर पे क्लिक करना है। अब आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा, तो लेट अस वेट फॉर द इंस्टॉलेशन टू बिगिन। बिल्कुल ही आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए, आराम से आपका हो जाएगा। तो यहां पे आपका ऑप्शन आएगा लैंग्वेज सेलेक्ट करने का, इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए आप,
नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, देन आपका आएगा कंट्री सिलेक्ट करने का, तो आप या तो इंडिया कर सकते हैं या तो आप यूएसए कर सकते हैं, मैं इंडिया कर लेता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, अमेरिकन इंग्लिश कर सकते हैं, इंडियन इंग्लिश भी कर सकते हैं या हिंदी भी कर सकते हैं, बट हम अमेरिकन इंग्लिश पे जाएंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, देन ये आपका जो है हार्ड डिस्क डिटेक्ट करना शुरू करेगा और इंस्टॉलेशन को शुरू कर देगा। ओके तो यहाँ पे आपका आता है ऑप्शन होस्ट नेम सिलेक्ट करने का। ओके तो होस्ट नेम को आपको कोई भी एंटर कर सकते हैं, तो होस्ट नेम आप डाल दीजिए, मैं डाल देता हूँ अपना वन बाइट लैब डाल सकते हैं आप .in। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए और फिर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपका आएगा पासवर्ड सिलेक्ट करने का, तो पासवर्ड सिलेक्ट कर लीजिए। देन आपका क्लॉक सेटअप करने का ऑप्शन आएगा, यहां पे सिलेक्ट करना है आपको गाइडेड यूज एंटायर डिस्क। यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको पहला ऑप्शन, क्लिक ऑन कंटिन्यू, ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन, कंटिन्यू, फिनिश पार्टीशन एंड राइट चेंजेस टू डिस्क। सेलेक्ट कीजिए इस ऑप्शन को, कंटिन्यू, यस,
सेलेक्ट कीजिए इस ऑप्शन को कंटिन्यू। इंस्टॉलेशन आपका शुरू हो जाएगा, जितना भी डेटा है आपको डिस्क में कॉपी करना शुरू हो जाएगा। तो आपका इंस्टॉलेशन जो है यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा समय लेगा आपका, तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। Kali Linux live और install में difference ये है कि live आप सिर्फ सारा चीज विंडोज को बंद करके ही चला सकते हैं, एक साथ आप अलग अलग सिस्टम्स को यूज नहीं कर सकते। हम यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं इसलिए हमको लाइव सिस्टम यूज नहीं करना है, क्योंकि हम ना तो रिकॉर्ड कर पाएंगे ना ही उसको लाइव सेशन कर पाएंगे हम।
हमको काली लिनक्स यूज इसलिए करना है बिकॉज वो स्पेशली ही आपका उसी के लिए बनाई है. ओके, वर्चुअल बॉक्स भी यूज कर सकते हैं आप बिल्कुल. पाइथन इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है. आशीष आप इसको स्किप कीजिए, टाइम लेट हो रहा है. अगर आपको लेट हो रहा है तो आप क्लास लीव कर दीजिए. आपकी तरह सबको हड़बड़ी नहीं है तो आप क्लास को लीव कर सकते हैं अगर आपको जल्दी है तो. किसी कोई डाउट इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग आप चैट में पूछ सकते हैं. आपके पास पार्टीशंस का अलग अलग ऑप्शन है, आप सिंगल पार्टीशन भी कर सकते हैं, आप मल्टीपल पार्टीशन भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है. बट मैं रिकमेंड करूंगा बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन है उसी को सेलेक्ट कीजिए, बस यस 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 करते रहिए, आपका वो इंस्टॉल हो जाएगा. ओके, और इंस्टॉलेशन तब फॉलो कीजिए जब यहाँ का रिकॉर्डिंग आपको सेशन का वीडियो मिल जाएगा, और स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो कीजिए. कोई भी इश्यू हुआ टेलीग्राम पे मुझे आप पिंग कर सकते हैं. नहीं, नेटवर्किंग कोई जरूरी नहीं है, हर एक चीज जितना भी है ना हम स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो करेंगे. ओके, इंस्टॉलेशन के बाद जितने भी हम लोग के प्रैक्टिकल्स हैं, थ्योरेटिकल्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, जो भी है वो सारे के सारे हम लोग कवर करेंगे. ओके, इंस्टॉलेशन पहले जरूरी है इसलिए अभी हम कवर कर रहे हैं. किसी कोई डाउट काली लिनक्स रिलेटेड अभी भी पूछ सकते हैं आप. टेलीग्राम पे मैसेज आपका चालू हो जाएगा कल से, बिकॉज बहुत से लोग अनवांटेड सवाल करते रहते हैं जिससे सब कोई कंफ्यूज हो जाता है. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसी से रिलेटेड कुछ पूछिए आप, एडवांस मत बढ़िए. एडवांस बढ़ते हैं तो बाकी सब जो बेसिक्स होते हैं, जो बेसिक लोग होते हैं जिनको अच्छे से नॉलेज नहीं होता है अभी एडवांस का, वो कंफ्यूज हो जाते हैं. आप जिस तरीके से मैसेजेस करते हैं उससे दूसरे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए चैट बंद किया हुआ है. चैट कल से खुलेगा, बट जो भी आपको जरूरी चीजें हैं, जरूरी क्वेश्चन है, वही पूछिए. अगर आपको एक सवाल का जवाब नहीं मिलता है उसको 10 बार पूछने से वो जल्दी नहीं मिल जाता है, इसलिए पेशेंस रखा कीजिए. चैट रूम जल्दी खुलेगा. जिनके सिस्टम्स में वीएमवीआर काम नहीं कर रहा है, ऑफ कोर्स आप वर्चुअल बॉक्स ट्राई करके देखिए, क्योंकि सिस्टम टू सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो डिपेंड करता है. ओके,
वीडियोस आपका गूगल ड्राइव पे अपलोड होगा, जितने भी रिकॉर्डिंग वीडियोस हैं। जी नहीं, कोर्स के बाद एग्जाम आपका ऑप्शनल है। आप एग्जाम देते हैं तो आप सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा, एग्जाम नहीं देते हैं तो कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। डिफरेंस बिटवीन VMware एंड वर्चुअल बॉक्स, दोनों सेम सॉफ्टवेयर हैं, अलग अलग कंपनीज के, दैट्स ऑल। जो डिफरेंस आपका व्हाट्सएप और हाइक में है, गूगल और फायरफॉक्स में, वही डिफरेंस आपका VMware और वर्चुअल बॉक्स में है, और कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जाम आपका वो इसी काउंसिल की तरफ से होता है, एग्जाम बहुत ही महंगा होता है आपका, वो $500 का आपका एग्जाम होता है, 30,000 से 35,000 सिर्फ एग्जाम का फीस होता है। बिल्कुल, अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको एग्जाम फीस तो पे ही करना होगा। अगर आपको सर्टिफाइड इथिकल हैकर का सर्टिफिकेशन चाहिए, जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होता है, कहीं भी किसी भी कंपनी में जाइए, वो सर्टिफिकेट आप शो कीजिए, बिना कोई पूछे आपको कोई जॉब दे देगा, अगर आपको एक्सपीरियंस और नॉलेज है तो, बिकॉज वो सर्टिफिकेट का वैल्यू बहुत होता है, इसलिए उसका कॉस्ट आपका इतना ज्यादा है। आशीष, आप कौन से दुनिया में रह रहे हैं? सारे क्लास का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया हुआ है और हर दिन आपका जो लिंक है वो शेयर किया गया है टेलीग्राम चैनल पे। प्लीज चैनल पे टेलीग्राम चैनल में आप स्क्रॉल कीजिए, आपको सारा का सारा लिंक वहां दिया गया है गूगल ड्राइव का। जी हाँ, आप फ्यूचर में कभी भी एग्जाम दे सकते हैं, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है, ओके। बट एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए, वरना अगर आप फेल हो जाएंगे तो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। एग्जाम में अपीयर होना बहुत ही मुश्किल होता है सीईएच का, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत एडवांस लेवल के होते हैं, ओके। टाइम एडिट करने के लिए काली में आप क्लॉक सेलेक्ट कीजिए और पैसिफिक जोन का टाइम सेलेक्ट कर लीजिए आपका, जो इंडिया का होता है। ओके, अब आएगा ऑप्शन कॉन्फ़िगर द पैकेज मैनेजर यूजर नेटवर्क, तो आप यहाँ पे नो क्लिक कर दीजिए पहले, देन कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। अब आपका ग्रब जो बूट लोडर जो है वो आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। फिर आपका ऑप्शन आएगा इंस्टॉल द ग्रब बूट लोडर ऑन अ हार्ड डिस्क, तो आपको यस सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू करना है। फिर आपको सेलेक्ट करना है डेव और SDA, ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए और आपका ग्रब बूट लोडर जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, और फिर आपका इंस्टॉलेशन जो है वो फिनिशिंग स्टेज पे आ जाएगा, ओके। एग्जाम आप कभी दे सकते हैं, एग्जाम में कोई आपका ऐसा लिमिटेशन नहीं है। एग्जाम के लिए फॉर्म हम लोग आपको देंगे, उस फॉर्म को फिल कीजिएगा, अगर आपको फी पे करना है फी पे कीजिएगा, तब आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। ये कोर्स के बाद एग्जाम आपका डिफरेंट है, इसी काउंसिल की तरफ से सर्टिफिकेशन का जो एग्जाम होता है, हमारे जो इस कोर्स में सर्टिफिकेशन इंक्लूडेड है वो कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट है, जिसमें आपको कोर्स आपने कंप्लीट किया है, अटेंड किया है, ये आपको मिलता है। एक सर्टिफाइड इथिकल हैकर बनने के लिए आपको उसमें सर्टिफिकेशन जो होता है वो इसी काउंसिल की तरफ से होता है, जिसका वैल्यू $500 होता है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया आपका, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, फिनिशिंग स्टेज पे आ जाएगा और आपका इंस्टॉलेशन होके बूट होना शुरू हो जाएगा।
तो ये फिनिशिंग स्टेज पे है इंसुलेशन, अब इसको फिनिश होने देते हैं। इंडियन रुपीस 500 डॉलर्स का आपका हो जाएगा 35,000, 35,000। हमारे तरफ से आपका कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने 40 दिन का ये कोर्स कंप्लीट किया है। ओके, तो बहुत से यूजर्स को एक एरर आया होगा, वर्चुअलाइजेशन का एरर, Intel VT-X, क्योंकि आपको वर्चुअल सिस्टम रन करने के लिए अपने बायोस में वर्चुअलाइजेशन, हाइपर वर्चुअलाइजेशन को ऑन करना होता है, जिसको कहते हैं हाइपर एक्स। उसका मैं गाइड आपको शेयर करूंगा क्लास खत्म होने के बाद। उसको आपके अपने लैपटॉप के बायोस में जाके एनेबल करना होगा, तब जाके आपका वर्चुअलाइजेशन जो है वो एनेबल हो जाएगा और वर्चुअल मशीन आप रन कर पाइएगा। तो यहाँ पे आपका जो काली लिनक्स है वो इंस्टॉल हो गया। पहला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना था काली लिनक्स GUI मोड, आपका ये बूट होना शुरू हो जाएगा। ओके, इसको बूट होने देते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल कर लेने के बाद अपना मेन टॉपिक शुरू करने वाले हैं मॉड्यूल 1 से लेके, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, टारगेट के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, देन आपका फुटप्रिंटिंग कि कैसे उस टारगेट को फॉलो करते हैं, देन स्कैनिंग नेटवर्क, टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन है हमारे पास, उसको स्कैन करना है, देन वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, टारगेट के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन है हमारे पास, अब उसको हैक करना है, उसके वीकनेसेस को फाइंड करके। तो ये सारे के सारे हम OS इंस्टॉल हो जाने के बाद नेक्स्ट क्लासेस से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया, यूजर नेम डाले थे हम लोग रूट, रूट डालिए, पासवर्ड डाले थे हम लोग रूट, रूट डालिए, आपका जो सिस्टम है वो लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो बूट हो चुका है। तो ये हमारा डेस्कटॉप है काली लिनक्स का। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन कैसे इंस्टॉल करते हैं, प्लीज आस्क मी इन द चैट। ओके, तो ये इंस्टॉलेशन हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें कुछ कुछ ऑप्शंस हैं आपके, जैसे कि फायरफॉक्स दिया हुआ है आपका प्री इंस्टॉल्ड, इसको कहते हैं हम लोग टर्मिनल। आपको याद होगा कि हम लोगों ने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था। ओके, तो ये टर्मिनल से ही हैंडल होता है। किस किस को याद है ls कमांड, जो ls कमांड मैंने बताया था, ls कमांड बताया था मैंने उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के जितने भी फोल्डर्स हैं या फाइल्स हैं उसके अंदर, उसको लिस्ट करने के लिए ls कमांड का यूज करते हैं। ls टाइप कीजिए, एंटर पे क्लिक कीजिए, जितने भी फाइल्स या फोल्डर्स उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हैं वो आपको वहां प्रिंट हो जाएंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड्स है, म्यूजिक है, पिक्चर्स है, पब्लिक है, टेम्पलेट्स है और वीडियोज है, ये सारे के सारे मौजूद हैं उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में। इसके बाद किस किस को याद है कि फाइल परमिशंस कैसे देखते हैं ls कमांड के हेल्प से, कि वो फाइल का कौन सा परमिशन टाइप है, किनको किनको याद है? chmod जो होता है वो परमिशन चेंज करने के लिए होता है, परमिशन व्यू करने के लिए होता है ls-l और उस फाइल का नाम। तो हम यहाँ पे डाउनलोड्स का देखते हैं, डाउनलोड फोल्डर का परमिशन टाइप क्या है, कितने परमिशन टाइप्स थे प्लीज चैट में बताइए एक बार। रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, R W एंड X।
तो अब हम क्लिक करेंगे एंटर, तो इस फाइल में कोई मौजूद नहीं है डाउनलोड्स में। डेस्कटॉप पे जाते हैं, डेस्कटॉप में आपका कुछ नहीं है। म्यूजिक में देखते हैं, जिस फोल्डर के अंदर कुछ आपका डॉक्यूमेंट्स होगा उसी को हम लोग देख पाएंगे। म्यूजिक में कुछ नहीं है, पब्लिक वी डोंट हैव एनीथिंग, ओके, टेम्पलेट्स वी डोंट हैव एनीथिंग, डेस्कटॉप वी डोंट हैव एनीथिंग, ओके। अब यहाँ पे हमको एक फाइल, हम फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, ओके, mkdir, मेक डायरेक्टरी का कमांड है ये, डेमो, डेमो नाम का फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब उस फोल्डर के अंदर हम जाएंगे cd demo कमांड का यूज करके, उस फोल्डर के अंदर हम लोग आ गए। डेमो नाम का हमने फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर आ गए। अब यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करते हैं hello.txt। कैसे करेंगे? नैनो नाम का कमांड आता है लिनक्स में, काली लिनक्स में, नैनो नाम का कमांड यूज कीजिए। उस फोल्डर का, उस फाइल का नाम डालिए hello.txt, एंटर मारिए, आपका वो जो टेक्स्ट एडिटर है वो खुल जाएगा। इसमें डाल दीजिए कुछ भी टेक्स्ट, हाय दिस इज CEH बैच इन हिंदी, ठीक है। अब आपको एग्जिट करके इसको सेव करना है, वाई क्लिक कीजिए, वाई पे प्रिंट, जैसे हम वाई टाइप करेंगे वो आपका सेव हो जाएगा, ओके। सेव हुआ कि नहीं हुआ देखने के लिए क्या करेंगे, ls यूज कीजिए, और देख सकते हैं कि यहाँ पे hello.txt जो है आपका वो बन गया। अब हम hello.txt का परमिशन जानना चाहते हैं, तब क्या करेंगे, ls-l hello.txt। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका परमिशन क्या आ रहा है, RWRR, यानी कि रीड राइट और रीड रीड, ये परमिशन आपका वहां पे आ रहा है। यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन, ls कमांड का यूज, नैनो कमांड का यूज, परमिशन व्यू करने का यूज, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था, जिसका मैंने बताया था आपको कि प्रैक्टिकल में इसको हम देखेंगे। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन किसी को? बहुत ही बेसिक है, ओके ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अब आपको जैसे कि मैंने बताया था, काली लिनक्स को यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें थाउजेंड ऑफ टूल्स जो है बाय डिफॉल्ट आपको दिए हुए रहते हैं, आपको कोई भी सॉफ्टवेयर अलग से डाउनलोड करने का, परचेज करने का जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे एप्लीकेशन टैब में, तो आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से लेकर अलग सॉफ्टवेयर, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट से लेकर अलग सॉफ्टवेयर, फिर आपका अलग सॉफ्टवेयर, डाटाबेस का अलग सॉफ्टवेयर, पेनिट्रेशन टेस्टिंग का अलग सॉफ्टवेयर, हर एक कैटेगरी का अलग अलग सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपका मौजूद है। डिटेल कैटेगरी अगर देखना चाहें तो एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए और सारे के सारे आपको जो कैटेगरी मिल जाएंगे। पहला इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, यानी कि जानकारी इकट्ठा करना, उसके लिए जितने भी टूल्स हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। दूसरा स्टेप होता है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठा कर लिया, अब उसके बारे में उसकी वीकनेसेस, उसकी कमजोरियों को निकालना है, उसके लिए अलग कैटेगरी दिया हुआ है और उसके लिए टूल्स अलग दिया हुआ है। देन वेब एप्लीकेशन एनालिसिस, वेबसाइट सॉफ्टवेयर्स उनका एनालिसिस करना, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना और कमजोरियों को निकालने के लिए ये सारे सॉफ्टवेयर दिए गए हैं आपको। डाटाबेस असेसमेंट, डाटाबेस स्कैन करने के लिए ये सारे सॉफ्टवेयर दिए गए हैं आपको। पासवर्ड अटैक्स, किसी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर पासवर्ड अटैक करना है आपको अगर, तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। वायरलेस अटैक, वाईफाई हैकिंग, स्निफिंग, स्पूफिंग, फिशिंग अटैक्स, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। रिवर्स इंजीनियरिंग, जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपके ही टेक्निक्स को आपके ही खिलाफ यूज करने को रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं, उसके सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। एक्सप्लोटेशन टूल, आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास नेटवर्क के बारे में डेटा है, अब आपको उसको एक्सप्लॉइट करना है, यानी कि हैक करना है, उसके लिए अलग अलग टूल्स दिए हुए हैं। स्निफिंग, स्नूफिंग के अलग अलग, स्पूफिंग के अलग अलग टूल्स हैं। पोस्ट एक्सप्लोइटेशन, फॉरेंसिक्स, रिपोर्टिंग टूल्स, सोशल इंजीनियरिंग, सिस्टम सर्विसेज, यूजुअल एप्लीकेशंस, सारे के सारे कैटेगरीज आपके यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसके अंदर 100 से भी ज्यादा सॉफ्टवेयर्स आपको फ्री में दिए हुए हैं, ओके? तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम मॉड्यूल बाय मॉड्यूल बढ़ेंगे अपने सिलेबस में आगे, इस सारे के सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। इज दैट क्लियर? किसी को कंफ्यूजन तो अभी चैट में आप पूछ सकते हैं। आज के क्लास के लिए इतना टॉपिक हम कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम लोग नए मॉड्यूल शुरू करेंगे, अपना पहला मॉड्यूल से इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। एक एक मॉड्यूल कवर करेंगे, उसका प्रैक्टिकल करेंगे, फिर थ्योरेटिकल मॉड्यूल कवर करेंगे, फिर प्रैक्टिकल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा करेंगे हम लोग, ओके? तो पेशेंस रखिएगा, हड़बड़ी में मत रहिएगा, बिकॉज बहुत ही एडवांस कोर्स है ये, ओके? कोई कंफ्यूजन किसी को?
वर्चुअल मशीन डाउनलोड करने का और काली लाइन डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम चैनल में भेजा हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक से। ओके, क्लास फिनिश होने के 30 मिनट के अंदर इसका रिकॉर्डिंग भी आपको अपलोड हो जाएगा हिंदी फोल्डर में जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिया हुआ है। ओके, और बायोस सेटिंग्स का जो कॉन्फ़िगरेशन पीडीएफ है वो भी भेज दिया जाएगा आपको। ओके, और जिनको कोई यूजर कोई इशू होगा तो प्लीज ग्रुप ऑन करने ओपन होने का इंतजार कीजिए, वहां पे आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं या तो टेलीग्राम पे आप मुझे पर्सनली पिंग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास आपका अगला वीक है, जैसा आपको पता है कि वीकली क्लासेस हैं, तो नेक्स्ट क्लास आपका अगला वीक है। ओके, समवन इज आस्किंग हाउ टू क्रिएट फाइल्स। फाइल्स क्रिएट करना आपका बहुत बेसिक है, टर्मिनल ओपन कीजिए। पहले तो हम देख लेते हैं एलएस कमांड से कि कितने कितने फोल्डर्स और फाइल्स मौजूद है उस डायरेक्टरी में। ओके, फिर mkdir, इसका फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी, mkdir मेक डायरेक्टरी, उस डायरेक्टरी का नाम। डेमो तो हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, डेमो टू के नाम से क्रिएट कर लेते हैं। एंटर कीजिए, आपका डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगा डेमो टू। ओके, अब आपको उस डायरेक्टरी के अंदर एंटर करना है, तो उसका यूज होता है सीडी कमांड का। सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी, सीडी कमांड उस फोल्डर का नाम जहां पे आपको एंटर करना है। ओके, टू उस पर क्लिक कीजिए, आप उसके अंदर एंटर हो जाइएगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डेमो टू आ गया, ऊपर भी डेमो टू आ गया, यानी कि आप उस फोल्डर में एंटर कर चुके हैं और उसके अंदर कोई फाइल मौजूद नहीं है। नैनो कमांड से आप क्रिएट कर सकते हैं, तो ऐसे ही फाइल क्रिएट करते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है। धीरे धीरे और प्रैक्टिकल से हम देखेंगे धीरे धीरे। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस, आज के क्लास में इतना ही, आप क्लास को लीव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल।